हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे नूं, की हाल चाल आ? होपफुली सारे वधिया होंगे। सो तुसीं कहिंदे होणे कि बाई रोज़ नवीं नवीं वीडियो लैके आ रहा, की चक्कर आ? सो एक्चुअली गल पता की आ, बहुत जने पुछदे बई एंट्री एग्जिट ट्रेड किद्दां लैंदे हो। सो जो इदां दे क्वेश्चन आउंदे ना, मैनूं इह हुंदा वी कोई ना कोई इनोवेटिव मैं करां। बाकी आपां तुहानूं पता सिद्धे बंदे आ, बाला टैक्नोलॉजी दा कोई है नहीं पता, है ना। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके पा रहा सीगा ट्रेड, पर उहदे विच किते ना किते कुछ लूप होल्स सीगे जिन्हां दे प्रॉब्लम आउंदी सी। जिद्दां कई वारी अकाउंट नंबर शो हो जाणा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई नहीं, जिहड़ा मैनूं बाद च पता लगना भी यार मैं रिकॉर्ड तो कर लिया पर अकाउंट नंबर आ गया या कुछ परसनल डिटेल्स आ जांदियां। इस वारी मैं ट्राई किया, एक दो सॉफ्टवेयर यूज़ किए पता पुता करके, देसी जुगाड़ ला के एक थोड़े लिए मैं ट्रेड रिकॉर्ड किया। उस मैं दसिया मैं किवें ट्रेड लिया, की वो सोचा सगा। देखो उदा मैं मिड डे, जो कोई भी मिड डे सैशन चाहे मॉर्निंग सैशन है ना, वो मैं करता हूँ आ तीन स्क्रीन जिहड़ियां पिछे आ, पर अज मैं थोड़े करके जो मिड डे सैशन आ वो मैं रिकॉर्ड भी किया, तो जो ट्रेड एग्जीक्यूशन भी वो मैं की आ वाले लैपटॉप से इतने मैकबुक से सिंगल स्क्रीन। सो चाहे मेरे को तीन स्क्रीन आ, पर मैं क्या चल छोटी पोजिशन लैके ट्रेड कर लें वधिया। मैं नोटिस उत्ते वड्डी स्क्रीन पर भी कर रहा है, पर मैं ट्रेड जिहड़ा आ उह रिकॉर्ड किया क्योंकि मैकबुक से ईजीली हो जाता, वड्डी स्क्रीन पर हले भी मैनू नहीं पता लग्या किदां ट्रेड रिकॉर्ड करना, स्क्रीन रिकॉर्ड मतलब करना, क्योंकि सेम गल जिदा मैं पहला दसिया मैं हैगा देसी है सीधा है बंदा, मैनू बाला इहदे बारे पता नहीं हैगा, नॉलेज नहीं हैगी जिन्ना सीगा। मैं ट्राई किया, बाकी पूरी वीडियो देख लियो, थानू यह पता लग जूगा कि मैं किस बेसिस से ट्रेड लिया। ट्रेड सीगा अपना T-QQQ का, मिड डे सैशन सीगा, मॉर्निंग सैशन नहीं सीगा। मिड डे का मतलब आ कि 11 बजे तो बाद, यह 11:30 तो बाद ट्रेड लिया सीगा, आई थिंक 11:30 बजे लिया सी, 30-40 मिनट चलिया होना ट्रेड। सो मैं ये $100 रिस्क पर लगाया सीगा, $200 का प्रॉफिट होया। पोजीशन मेरी सीगी 1000 शेयर मैं ले सी, सो तुसी आप कैलकुलेट कर लियो, 21-22 हज़ार की पोजीशन सीगी, उहदे विचों मैं $200 प्रॉफिट कढ़िया, तो जे मेरा लॉस हुंदा उहदे विच $100 होना सीगा। सो चलदे आ हुण, आ जाओ तुहानूं मैं ट्रेड दिखावां। सो गाइज एज यू कैन सी कि मैं T-QQQ शॉर्ट किया सी क्योंकि रेजिस्टेंस सीगी। सो आह एक रेजिस्टेंस लैवल मार्क किया 2195 ते, एंड यह मैं ट्रेड रिकॉर्ड किया। लैट सी प्ले करके देखते हैं, सो मैं नाल एक्सप्लेन कर दाँ। ऑल राइट, सो मैं इतने शॉर्ट किया सी अराउंड 2175 ते, मेरा जिहड़ा स्टॉप लॉस सीगा वो सीगा अराउंड आ वाले लैवल ते 2185 ते। सो दैट मीनस जे इतने हिट करता तो मैं आउट हो जाना सीगा। सो 10 सेंट का जिहड़ा मेरा स्टॉप लॉस सीगा आ वाले लैवल ते, यू कैन सी। सो आ वाला लैवल मैं मार्क किया सी VWAP सीगा, ते इत्थे कल दा जिहड़ा एक लैवल सीगा, ते इत्थे देखो मैं आ वाले पॉइंट दे उपर शॉर्ट किया, रफली देख सकते हैं आ वाले पॉइंट दे उपर शॉर्ट किया सी, ते इत्थे मैं आपदा टारगेट लिया। सो टारगेट जिहड़ी रेशो बनती आ वह बनती आ 2:1 की। सो दैट मीनस मैं अराउंड $100 रिस्क पर लगा के ये $200 का प्रॉफिट कढ़िया। सो मैं 1000 शेयर खरीदे सीगे, तो उहदे विचों 210 समथिंग का प्रॉफिट होया, वह भी मैं थोनों दिखाउना। सो तुसी देख सकते हैं कि जस्ट एक लैवल दे बेस पर मैं ट्रेड किया। सो 2195 दे उपर काफ़ी वड्डी रेजिस्टेंस सीगी, पर मैं जिहड़ा स्टॉप लॉस सी ओह रखिया सी 10 सेंट का, टारगेट सीगा मेरा 20 सेंट का। सो आ वाले लैवल ते यानी कि 2155 दे उपर मैं जिहड़े आपदे पार्शल चक्के आ, आई मीन पूरी पोजिशन क्लोज़ की आ, पार्शल नहीं चक्के। सो क्योंकि इत्थे ऑलरेडी एक सपोर्ट लैवल सीगा 2150 मैं मार्क किया सीगा वड्डे टाइम फ्रेम ते। सो तुसी देख सकते हैं इत्थे 2185 स्टॉप लॉस, 2175 एंट्री, तो 2155 जिहड़ा मेरा टारगेट सीगा। सो डायरेक्ट रेशो जी 2:1 की बनती आ टू द डाउन साइड, क्योंकि ओवरऑल जी काफ़ी वड्डी रेजिस्टेंस इन्हें लई हुई है, तो ओवरऑल जिहड़ा ट्रेंड आ वह थले नू ही सीगा। कैन सी $210 का प्रॉफिट, 1000 शेयर मैं बाय किए सीगे, आई मीन सैल किए सी, शॉर्ट किए सीगे। हाँ जी, सो तुम देख ही लिया होना भी किदा आप ट्रेड लिया, T-QQQ टॉप रिवर्सल थले नू शॉर्ट किया, पर सी गाइस थोनों दे गया होगा भी 40-50 मिनटां च या घंटे के $200 बना लिया, पर इन्ना भी देखो मैं रिस्क पर भी लाया सीगा। सो $100 का मेरा रिस्क सीगा, 2:1 की रेशो के नाल $200 प्रॉफिट बनया। सो ट्रेडिंग दे विच ए इन्ना देखा करो, ऑलवेज रिस्क इनवॉल्व होंदा, कदे भी किसी के प्रॉफिट दे के या कि कोई किन्ने पैसे बना रहा एक्साइट ना होया करो, क्योंकि उहदे पिछे किन्नी कैपिटल लगी है, किन्ना उस बंदे ने रिस्क लाया, ये चीज़ां देखनियां जरूरी आ। बाकी मैं ट्राई करूँगा आपदे मॉर्निंग ट्रेड जिहड़े उह भी किसी दिन रिकॉर्ड करके पावां, पर वो थोड़ा जिहा हार्ड हो जांदा। रीज़न पता कि एक तो मैं वड्डी स्क्रीन ते करने पैणे मैनूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपदा मेन अकाउंट यूज़ कर रहा, नाल दी नाल उहदे च डिस्कॉर्ड लाइव ट्रेडिंग असीं कर रहे ने, सो मल्टीपल फोकस जिहड़ा उह किते ना किते डिस्ट्रैक्ट करदा आ। सो बाकी जिहड़ा मिड डे कोई भी मैं ट्रेड लाऊंगा, कोई वधिया सैटअप मिलदा आल डेफिनेटली
डेफिनेटली पुट दैट फॉर यूट्यूब। पर जे मान लो चाहे लूजिंग जाता चाहे विनिंग जाता वो मैंने मैटर नहीं करता, मैं जरूर थोड़ा एनालाइजेशन का थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा भी इस बेसिस पर मैं ट्रेड लिया। थोड़ा मैं जरूर जिन्ना हो सकता मैं ट्राई करूँगा कि जिन्हें भी ट्रेड मैं मिड डे लैंदा मैं रिकॉर्ड कर करके यूट्यूब पर पाई जावा। मेक श्योर ये चैनल में सबसक्राइब कर लो गाइस, तुसी आके वीडियो देख के चल जाने ना तुसी लाइक कर दे ना कमेंट कर दे ना सबसक्राइब कर दे, राइट। मेरे पाउण का की फायदा जे तुसी सबसक्राइब ही नहीं कर रहे। थोनू मैं ये चीज़ जी जस्ट इस करके दस रहा क्योंकि बहुत जने पुछदे आ भाई प्रैक्टिकल ट्रेडिंग जी कि करते हो तुसी, क्योंकि डिस्कॉर्ड के भी असी लाइव ट्रेडिंग जो करते हैं वॉइस चैनल कि मार्जिन ऑफ एरर जो रहा मैं जदों एंट्री कर रहा वो एंट्री उन्होंने बाकियों की जी लेट हो जाती है। मैं प्योरली सिग्नल तो रिकमेंड नहीं करता बट स्टिल कई जिहड़े मेरे फॉलो करते हैं ट्रेड्स उन्होंने एंट्री कितना कितने एक दो सेंट या पांच सेंट दस सेंट उत्ते थले हो जाती है। पर ये सूँ पता लग जूगा कि आप किस लैवल के उपर हूँ देखो दस सेंट का अपना स्टॉप लॉस सीगा भी सेंट का अपना प्रॉफिट टारगेट चुकया है ना। सो जेकर अपनी एक अद्धे सेंट का भी उपर थले होता ओबियसली रिस्क रिवॉर्ड रेशो जी मैसअप हो जाती है। ये चीज़ का ध्यान रखा करो, बाकी होर वीडियोज़ आदि रहनगियाँ। जो कोई क्वेश्चन ना थले कॉमेंट कर दौ, जे कोई उदा पर्सनल क्वेश्चन मैंने पूछना तो मैंने इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। अगली वीडियो मिलते हैं, सत श्री अकाल सारे, ध्यान रखियो, हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ योर डे।